एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम रकाबगंज रोड गुरुद्वारा रकाबगंज रोड 12 नंबर, जहां बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है। और आज यहां पर बहुत तादाद के अंदर बहुजन समाज से संबंध रखने वाले लोग, बहुजन समाज की पीड़ा को समझने वाले लोग, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझने वाले लोग, यहाँ बहुत तादाद के अंदर तांता लगा हुआ है। वो तांता क्यों लगा हुआ है, आइए हम अंदर चलकर पता करते हैं कि। और जो ये बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यालय है, एक विशाल कार्यालय है, यहाँ जो आप मैं दिखाने जा रहा हूँ इस बोर्ड को, इस बोर्ड में लिखा है मानवर श्री कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर भारत में इनके समूचे अनुयायी अपनी अपार व विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक तरफ मानवर कांशीराम साहब का फोटो है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की लीडर, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का फोटो है। आइए आगे हम चलते हैं। ये मेन गेट पे जो होर्डिंग लगा हुआ है, होर्डिंग पे मानवर कांशीराम साहब का फोटो है और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी का फोटो है। और होर्डिंग पे लिखा है कांशीराम तेरा मिशन अधूरा, मायावती जी करेंगी पूरा। बीएसपी के जन्मदाता व संस्थापक व बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत मानवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस है, आज 9 अक्टूबर है और आज मानवर कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस को मनाया जा रहा है। आइए अंदर अब हम एंट्री करते हैं। और जो बहुत तादाद के अंदर जो आवाम आई हुई है, जनता आई हुई है, मानवर कांशीराम साहब ने जो कार्य किए थे उन कार्य को एक बार फिर निहारने के लिए जो बहुत तादाद के अंदर उन्होंने, मानवर कांशीराम साहब ने पूरा जीवन बहुजन समाज को दिया। आगे हम जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि एक विशाल स्टैचू जो मानवर कांशीराम साहब एक शांत अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं और फूलों की माला है, क्योंकि आज श्रद्धांजलि समारोह है। ये जो आप फुहारा देख रहे हैं, ये फुहारा चल रहा है और फुहारे पे एक स्पूस सा बनाया हुआ है, इसके अंदर हाथी के वो जो सूंड से पानी बहता हुआ और सूंड में से फुहारा निकलते हुए, और ये बहुत अच्छी सुंदर एक स्पूत बनाया हुआ है और हाथियों के सूंड में से पानी निकल रहा और फुहारा है। आइए और आगे चलते हैं। ये जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये उस महामानव की स्टैचू है, उस महामानव की फ़ोटो है जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए लगाया। उन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा, और उन्होंने इतना समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कठिन परेशानियों को सहन करते हुए उन्होंने वो काम किया। और इस स्टैचू पे लिखा है कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। ये स्टैचू है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। आगे इन्हीं के बराबर में जो दो स्टैचू हैं, ये हैं स्टैचू बहन कुमारी मायावती जी की, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके हाथों के अंदर फूल हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए और फूल अर्पित करते हुए उनके हाथों के अंदर फूल हैं। और दूसरे जो स्टैचू मैं दिखा रहा हूँ, ये 21वीं सदी के महामानव युग पुरुष जिन्हें कहा जाता है, ये हैं बीएसपी के जन्मदाता मानवर श्री कांशीराम जी। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, ये एलिफेंट है, हाथी का फोटो है, और ये जो जहाँ हाथी खड़े हुए हैं, ये बहुजन प्रेरणा केंद्र है जो शुरू से ही हाथी को एक महान दर्जा दिया जाता है, हिंदुओं में गणेश कहा जाता है। और यहाँ एक नहीं, अब मैं दूसरे हाथी की तरफ चलता हूँ, तीसरा हाथी, चौथा हाथी, पांचवा हाथी और छठा हाथी, इनकी सभी की कला जो जिसने कलाकीर्ति की है, इसमें कहीं भी कतई भी कोई फर्क नहीं किया है।
इन हाथियों के बीच में हाथी एक ही बराबर के हैं, एक ही साइड में रखे हुए हैं और इनकी कलाकृति बहुत अच्छी है। दूसरा, एक तरफ मान्यवर कांशीराम जी का फोटो लगा हुआ है, दूसरी तरफ कुमारी मायावती जी का फोटो लिखा हुआ है। इस पूरे इस दीवार पे जो एक स्थान दिया गया है, उस स्थान पे लिखा गया है जय भीम जय भारत बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन प्रेरणा ट्रस्ट द्वारा संचालित 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली 110001। आइए और आगे चलते हैं। अभी जो मेन गेट था, मेन गेट से हम दूसरे गेट की तरफ आ रहे हैं, ये दूसरा फुहारा है और इस फुहारे के अंदर जो कलाकृति का जो एक कलाकारी की है, जिसे कहते हैं कि हिंदी में कहते हैं कि अलंकार का अर्थ होता है अलंकृत करना, उसी तरीके से इस पूरे फुहारे को इस तरीके से अलंकृत कराया है। जो पहले गेट नंबर एक पे मैंने फुहारा दिखाया था, उसी तरीके से फुहारा है और हाथियों की सूंड से ये पानी निकल रहा है और बहुत ही सुंदर दृश्य है। और यहाँ जो फूल और जो ये फुलवाड़ी लगी हुई है, ये भी एक देखने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। यहाँ का बहुत सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। आगे और चलते हैं। ये गेट नंबर दो के बराबर में बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरा जो स्टेचू जिसमें गले के अंदर माला पहने हुए हैं, ये हैं बीएसपी के जन्मदाता मानवर कांशीराम जी, दोनों की फ़ोटो एक साथ में गेट नंबर दो के बराबर में। इनका भी जो पहले गेट पे जो फोटो दिखाया और स्टैचू दिखाया बहुत ही अच्छी सुंदर थी, उसी तरीके से ये भी स्टैचू बहुत अच्छी है। और मानवर कांशीराम साहब का जो इशारा है, वो जैसे बाबा साहब को कहते हैं, बाबा साहब का इशारा है पार्लियामेंट हमारा है, उसी तरीके से मानवर कांशीराम साहब भी यही कह रहे हैं कि इशारा मेरा इशारा सिर्फ पार्लियामेंट की तरफ है, आप पार्लियामेंट के अंदर जाओ अपने अधिकारों को पाने के लिए। एक तो बहन जी का है, बहन जी कहती हैं कि जो मास्टर चाबी है उसी से सभी ताले खुलते हैं और आपका उद्धार और सुधार उसी से होगा। इन सब चीज़ों को लेके ये कि प्रेरणा स्थल जो बनाया बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लिए, ये एक दर्शनीय स्थान भी है और प्रेरणा देने वाला है कि जो स्टेचू है इनके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है कि ये बता रहे हैं कि हमारे समाज के साथ में जो हुआ। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी तो उसमें ये बताया गया और बहन जी ने बहुत अच्छा कुशल कार्य करे और समाज को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आइए और आगे चलते हैं। ये जो आप दरवाज़ा बंद देख रहे हैं, ये कार्यालय है और यहाँ ऊपर जो मानवता एवं इंसानियत के प्रतीक भगवान गौतम बुद्ध की जो स्टेचू लगा रखी है, बहुत सुंदर स्टेचू लगा रखी है, बहुत अच्छा पत्थर लगा रखा है। आइए और आगे चलते हैं। ये दूसरा कार्यालय है, इस कार्यालय पे भी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है और बहुत ही सुंदर कलाकार ने अपनी कलाकृति को दिखाते हुए सुंदर प्रतिमा बनाई है। अभी हमने आपको बहुत दिखाया कि मानवर कांशीराम साहब का, फिर आगे उनका। अब हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय ही एलिफेंट की फ़ोटो आपको दिखाई देगी और तस्वीर दिखाई देगी। एक तरफ एलिफेंट, दूसरी तरफ भी एक दूसरे को निहारते हुए दोनों एलिफेंटों की तस्वीर लगी हुई है। और आगे चलते हैं और जो ग्रीन वेल्ट जो पार्क बना रखा है, जहाँ हाथी खड़े हुए हैं, उन्हीं के बराबर में हरी घास है, बहुत सुंदर देखने में लग रही है घास। और इसी तरीके से इस तरफ भी हम देखते हैं तो घास जो बड़ी अच्छी है। ये जो आप हाथी देख रहे हैं, हाथी की सूंड के अंदर माला है, पैरों के अंदर पीले पीले फूल हैं। ये फूल कोई बनावटी फूल नहीं है, ये फूल ओरिजिनल फूल हैं। मैं इन्हें उठा के देख रहा हूँ तो ये फूल बहुत ओरिजिनल हैं और हाथी के पैरों में फूल पड़े हुए हैं और सूंड के अंदर ये माला है। और माला का एक प्रतीक है, इसका भी कोई एक रीज़न होता है कि ये माला क्यों हाथी के गले के अंदर है। दूसरी तरफ हम यहाँ चलते हैं, जो यहाँ पुस्तक रखी हुई हैं, एक टेबल है, टेबल पर पुस्तक रखी हुई हैं और पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इन पुस्तकों की जो राइटिंग है, वॉल्यूम नंबर एक, वॉल्यूम नंबर दो, वॉल्यूम नंबर तीन और वॉल्यूम नंबर चार, उसी तरीके से इधर भी जो चार पुस्तक हैं उसके अंदर भी वॉल्यूम ही लिखा हुआ है। पुस्तकों के बराबर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का स्टेचू बना हुआ है और नीचे लिखा है सुश्री मायावती जी
एकमात्र उत्तराधिकारी साथ में गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं। बहन कुमारी मायावती जी का जो स्टेचू है आप देख रहे हैं, और बराबर के अंदर ये जो आप ये स्टेचू देख रहे हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू है। शांत मुद्रा के अंदर है, भगवान गौतम बुद्ध आशीर्वाद दे रहे हैं, और बहुत ही सुंदर भगवान गौतम बुद्ध की स्टेचू बनाई है। और साथ में जो मान्यवर कांसीराम साहब के गले के अंदर माला है, एक हाथ के अंदर पेन है, और पेन एक बहुत प्रतीक है। ये जो पेन का प्रतीक मान्यवर कांसीराम साहब दिखा रहे हैं, और प्रेरणा स्थल जैसे कि इसको कहा जाता है, प्रेरणा स्थल इसका नाम है। इस पेन का जो मान्यवर कांसीराम साहब दिखा रहे हैं, पेन का मतलब है ये जो एक पेन मेरे हाथ में है, और मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि ये जो ढक्कन है इसको एक मनुवाद कहा जाता था, ब्राह्मणवाद कहा जाता था, और ये जो अगर ढक्कन हटा दें तो ये जो बहुजन समाज का ये जो 85% कहा जाता है, अगर इस पेन को हम जेब के अंदर लगाते हैं, हाथ के अंदर लगते हैं, तो 15% आगे दिखाई देता है और 85% नीचे दिखाई देता है। परंतु जो काम करता है वो 85% काम करता है और 15% फिर ऊपर आके बैठ जाता है। तो इस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब की जो सोच थी वो सोच ये थी कि ये खड़ी व्यवस्था को हम जो है पड़ी व्यवस्था कर दें, समतल कर दें, सभी एक सम्मान कर दें, तो ये पेन का प्रतीक ये है। और मान्यवर कांसीराम साहब की जो सोच थी कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार के तहत ये जो संविधान बनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये पेन को एक जो दर्शाया वो यही दर्शाया। और आगे हम चलते हैं, ये जो स्टैचू है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, और शांत अवस्था के अंदर, और इसमें जो लिखा है कि श्लोक, मेरा जीवन संघर्ष ही है, मेरा संदेश है, कि इन्होंने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष को ही उन्होंने संदेश बताया है। और आम जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन संदेशों को पढ़ें, बाबा साहब की किताब को पढ़ें, बाबा साहब के संविधान को पढ़ें, जब ही आपका उद्धार होगा। राष्ट्राध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में जो फ्लैग आप दिखाई दे रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी का सिंबल है हाथी। और इससे आगे हम जब चलते हैं, साइकिल पे वो महामानव हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूरा संघर्ष में बनाया, और साइकिल को ही उन्होंने चुना। साइकिल पे उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक यात्रा की, और एक ही यात्रा नहीं की, समाज को जगाने के लिए मान्यवर कांसीराम साहब ने साइकिल के माध्यम से सभी जनता को इकट्ठा किया और जगह जगह जाकर अपनी स्पीच रखी और बहुजन समाज को आगाह किया। उन्हीं के साथ में जो दूसरी साइकिल पे ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक भी, और मान्यवर कांसीराम साहब का एक नारा था कि मैं तो अकेला ही चला, और कारवा जुड़ता गया, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल पर अकेले चले, उन्होंने देखा कि एक महामानव समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ और भी लोग साइकिल लेके उनके साथ जुड़ गए, और साइकिल पर उन्होंने यात्रा करनी स्टार्ट करी, और बहुजन समाज को जगाने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। इस संग्रहालय के अंदर ये जो बहन जी की फ़ोटो लगी हुई है, नीचे एक हाथी का फ़ोटो है, ऊपर मान्यवर कांसीराम साहब का फ़ोटो है, और इस स्टैचू के अंदर लिखा है BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दलितों की श्रेणी बहन कुमारी मायावती जी को हार्दिक नतमस्तक। और दूसरी तरफ हम आते हैं तो जो ये जो पूरा होर्डिंग लगा हुआ है, पूरा बैनर लगा हुआ है, और अन्नदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम जी पहली बार बनी मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी को फूलों का तोहफा भेंट करते हुए, अब नीचे की जो स्टैचू है, जो बहन जी सिंगल खड़ी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मायावती जी दिनांक 15 मार्च 2010 को आयोजित कार्यक्रम में गंभीर मुद्रा में। अब ये जो हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत सारे स्टैचू हैं, बहन जी का है, मान्यवर कांसीराम साहब का है, और गुलदस्ता देते हुए हैं, इस पर लिखा हुआ है दिनांक 2011
दिनांक 11/5/2007 को पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद सुश्री मायावती जी का लखनऊ के बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में स्वागत करते व जीत की बधाई देते पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारीगण। दूसरा फोटो हम जो दिखा रहे हैं वहाँ भी गुलदस्ता बहन जी ले रही हैं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2002 में राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री के आर नारायण जी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुए। उससे ऊपर बहन कुमारी मायावती जी शांत मुद्रा के अंदर बैठी हैं और इसमें लिखा है दिनांक 14/1/2005 को बहुजन समाज पार्टी कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारी के सम्मेलन में माननीय बहन कुमारी मायावती जी चिंतन मुद्रा में। अगला मैं तीसरे पड़ाव पे जो तीसरा फोटो वो बैनर के अंदर लिखा है उस पर लिखा है 14/4/2003 को रैली स्थल जेल रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी माननीय कांसीराम जी के साथ एक विशाल महारैली को संबोधित करते हुए। दूसरे स्टेचू में आ रहे हम तीसरे लाइन के अंदर दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर माननीय श्री कांसीराम जी को केक खाते हुए। और उससे नीचे हम फिर आते हैं सितंबर 1999 में उत्तर प्रदेश अकबरपुर सुरक्षित सीट लोकसभा सीट के लिए बीएसपी से नामांकन भर्ती बहन कुमारी मायावती जी साथ में हैं मानवर कांसीराम जी। अब चौथी लाइन में आते हैं दिनांक 27/4/2010 को लखनऊ में आयोजित एवं प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा करती हुई माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। उससे ऊपर दिनांक 11/12/2002 को सुल्तानपुर जिले उत्तर प्रदेश में रैली को संबोधित करती हुई माननीय सुश्री मायावती जी। इससे ऊपर दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन पर मानवर कांसीराम जी को के साथ चाय पीते हुए। अगले में ऊपर से दिनांक 21/3/1997 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी एनेक्सी भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर कार्यभार ग्रहण करते हुए। अब हम नीचे आते हैं जो इस फोटो में दिखाया है पूरी विधानसभा का फोटो दिखाया है, सभी विधायक सभी मंत्री सभी बैठे हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन नेता के रूप में प्रतिपक्ष को करारा जवाब देती हुई माननीय कुमारी माननीय मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी। नीचे के स्टेचू में आप देख रहे हैं प्लेट के अंदर खाना है उन बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब खाना खाते हुए दिनांक 15/1/2002 को 12 गुरुद्वारा रोड नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन पर मानवर श्री कांसीराम साहब के साथ भोजन करते हुए। और ये जो लास्ट रो है लास्ट रो के अंदर हम दिखाने जा रहे हैं कि दिनांक 15/3/2002 को C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर मानवर माननीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर श्री कांसीराम जी को उनके जन्मदिन पर केक खिलाते हुए। ऊपर का स्टेचू दिनांक 25/6/1998 नई दिल्ली के कंस्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक समारोह में कुमारी मायावती जी को राजश्री साहू पुरस्कार से सम्मानित करते हुए कोल्हापुर के महापौर शिवाजी राव जी कदम साथ में मानवर श्री कांसीराम जी। ऊपर वाला फोटो दिनांक 15/1/1994 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने जन्मदिन के मौके पर C1/11 हुमायूं रोड नई दिल्ली स्थित आवास पर। ये जो पूरा आपने ये जो एक बैनर देखा एक जड़ा हुआ एक कलाकृति देखी जो कलाओं ने लिखा है और लास्ट में जो एक नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है बाम से DS4 व BSP के जन्मदाता तथा उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी के साथ उनके संघर्ष में जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण क्षण।
अभी हमने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी होर्डिंग लगे हुए हैं उसमें बहुजन समाज को प्रेरणा देने के लिए ये होर्डिंग लगाए हुए हैं। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश हम जब करेंगे तो देखने में लगेगा कि जो यहाँ अंदर हम जब प्रवेश कर रहे हैं बहुत ही अच्छे सुंदर यहाँ पर जो स्टेचू लगा रखे हैं, और मैं जब हम अंदर घुसेंगे तो हम पहले हम यही देखेंगे कि जो सुंदरता है, और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ जो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर से हम साफ देख सकते हैं कि हमारी शक्ल भी अच्छी दिखाई दे रही है। पत्थर बहुत सुंदर लगा हुआ है। आए जब हम गेट के अंदर जब घुसे तो पत्थर देखा बहुत सुंदर है, और हम जब इधर सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ऊपर एक शीशे के अंदर जो जड़ित बहन कुमारी मायावती जी की फ़ोटो है, उसके नीचे आते हैं हम तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मानवर कांशीराम जी। अब हम थोड़ा नीचे उतर के आते हैं तो जो तीन फोटो दिखा रखे हैं उसमें एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी की माता जी हैं, दूसरी तरफ उनके पिताजी हैं, और इस स्टेचू पे जो लिखा है कि लखनऊ स्थापित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में अपने माता पिता के साथ में। इस श्रृंगालय के अंदर आपने देखा बहुत अच्छी अच्छी स्टेचू लगी हुई हैं। अब हम लास्ट के अंदर जब आते हैं तो यहाँ कुछ कपड़े हैं, और जो कपड़े सबसे ऊपर में रोम के अंदर जो दिखा रहा हूँ हैंगर के अंदर टंगा हुआ वो एक कोट है, एक तरफ शर्ट है, फिर दूसरी रो के अंदर कोट पैंट और शर्ट है, और फिर मैं लास्ट रो के अंदर आता हूँ तो इसके अंदर पैंट शर्ट और दूसरी पैंट है। ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ दो पेन और ये घड़ी, चश्मा और ये बेल्ट, और ये दूसरा चश्मा है, और ये तीसरा चौथा चश्मा है, और ये घड़ी टाइटन की घड़ी है। ये उस महापुरुष के कपड़े हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। वो महापुरुष थे माननीय कांशीराम साहब। सारी जो स्टैचू देखी आपने, फोटो देखी, ये प्रेरणा स्थल के अंदर और ये समाज को प्रेरणा देने के लिए ही श्रृंगालय बनाया हुआ है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता उस समाज का विकास नहीं होता, इतिहास का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये मैं ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ शीशे के अंदर जड़ित जो ये है बहुत पुराने समय का फिलिप्स, ये टीवी है जिसको माननीय श्री कांशीराम जी बीमारी के दौरान इस टीवी को देखते थे। ये इतना पुराना टीवी, और मानवर कांशीराम साहब इसमें न्यूज़ देखते थे, और ये बीमारी के समय भी वो मानवर कांशीराम साहब समाज की देख रेख में लगे रहते थे। ये बिल्कुल ही गेट के कोने में लगा हुआ है। अब हम इस संग्रहालय से हम बाहर चलते हैं, और जो इस सुंदर जो फोटो लगा रखी है बहुत ही प्रसन्न अवस्था के अंदर है। सबसे कोने पर मानवर कांशीराम साहब हंसते हुए, फिर नीचे पार्लियामेंट के फोटो दिखाया है, उस पर राष्ट्रीय फ्लैग दिखाया है, और जब हम फोटो देखेंगे बहन कुमारी मायावती जी का जो वस्त्र है, बहन कुमारी मायावती जी एक रानी के रूप में यहाँ दिखाई दे रही हैं सुंदर अवस्था के अंदर, और साथ में जो शेर है और एक तरफ गुलदस्ता है, बहन जी बहुत खुश नजर आ रही हैं। यहाँ पर समाज ने इनको एक रानी बनाया, और समाज आज भी बहन कुमारी मायावती पर अपनी जान नौछावर करने के लिए तैयार है। अब हम ऐसे कार्यालय के अंदर चलेंगे, ऐसे प्रेरणा स्थल के अंदर चलेंगे जो बहुत ही सुंदर प्रेरणा स्थल बना रखा है, और इस पर लिखा है बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र। जब हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते समय हम देखेंगे कि जो यहाँ इसमें जो पत्थर लगा रखा है बहुत ही सुंदर पत्थर लगा रखा है, और गेट एक नहीं ये जाली वाला गेट है, और एक ही बहुत बड़ा ये लक्कड़ काठ का गेट है। अब हम जब अंदर प्रवेश करेंगे तो इस पर हम राइट साइड में देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर लिखा है बहुजन प्रेरणा केंद्र, बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड नई दिल्ली, और इस पे पूरा जो लिखा हुआ है। और आगे हम जब इधर की तरफ चलेंगे हम यहाँ बहन कुमारी मायावती जी शुद्ध धागे फूल अर्पित करते हुए, और ये जो रो दिखाई जा रही है 1, 2, 3, 4 और ये 5, और 5-4 हाथियों के रो दिखा रखे हैं। ये प्रेरणा केंद्र का ही एक पूरा प्रेरणा केंद्र दिखाया गया है, और नीचे लिखा है बीएसपी के
श्री राष्ट्र अध्यक्ष सुश्री मायावती मानवर श्री कांशीराम जी की मूर्ति पर फूल अर्पित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रही हैं। पूरा जो बोर्ड देख रहे हैं बहुत सुंदर बोर्ड है और इसमें कलाकार ने जो अपनी कलाकृति दिखाई है बहुत सुंदर है। सबसे पहले मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ ये छत्रपति साहू जी महाराज जी का ये फोटो है और इस पे लिखा है जन्म 26 जुलाई 1874 और मृत्यु हुई थी इनकी 6 मई 1922 के अंदर। दूसरा जो मैं स्टेचू दिखा रहा हूँ ये स्टेचू है महात्मा ज्योतिराव फूले का, महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ, मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई। दूसरा जो मैं बहन कुमारी मायावती जी का स्टेचू है उस पर लिखा है बहन कुमारी मायावती जी जन्म 15 जनवरी 1956 को। और जो विशाल आप फोटो देख रहे हैं, बड़ा फोटो देख रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का फोटो है। इनके हाथ में संविधान की किताब है, ऊपर लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्म 14 अप्रैल 1851 को, मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। और बराबर में जो स्टेचू है वो है मानवर श्री कांशीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934, मृत्यु 9 अक्टूबर 2006 को हुई थी। और बराबर में जो स्टेचू है ये पेरियार रामास्वामी जी का है जन्म 17 सितंबर 1879 यानी 1879, मृत्यु 24 दिसंबर 1973 को हुई। और जो दूसरा मैं फोटो दिखा रहा हूँ ये है नारायण गुरु जी का जन्म 26 अगस्त 1855, मृत्यु 20 सितंबर 1928 को हुई। इस प्रकार से ये बहुजन समाज के 7 महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े पैमाने पे कुर्बानी दी थी। विशाल मूर्तियां देख रहे हैं, एक तरफ मानवर कांशीराम साहब का विशाल मूर्ति जिसमें माला पहन के, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, तीसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रेरणा स्थल इस संग्रहालय के अंदर जो आपने जो फोटो देखी, बहुत विशाल फोटो देखी, इन सभी ने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी। मानवर कांशीराम साहब बीच में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया और उनका संघर्ष ही संदेश है। और उन्होंने परिवार को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, और आज जो प्रेरणा स्थल ही जो बनाया बहन कुमारी मायावती जी ने वो इन्हीं के जो प्रेरणा है इन्हीं लोगों से, इन्हीं महापुरुषों से यहाँ प्रेरणा मिलेगी। अब तो पूरा बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र का पूरा भ्रमण कराया।